हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अर्जुन रेड्डी। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से यूट्यूब चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में हम फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप 10 मिनट की हमारी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। अर्जुन रेड्डी एक 2017 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की रोमानवी ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाय रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे, जबकि राहुल राम कृष्णा, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपी नाथ भट्ट, कमल कुमार अज्जू और कचना मावन किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है, जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आजी तौर पर संदीप वनगा की फजीर थेरेपी के तालिब इल्म की ज़िंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के देगर मकामात में मनगोर, दोहरा दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बल तरतीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोड़ा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शस्तानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन, तहरीर, सिनेमेटोग्राफी, 5.5 और कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लैक नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियाँ मौसूल हुई, जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा। राइटर भी इस फिल्म के यही हैं, संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा।
इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है विजय, और इसके साथ दे रहे हैं शालानी पांडे। सेनोग्राफी की बात कर लीजिए, सेनोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर, एंड प्रोडक्शन कंपनी है भाद्रकिली पिक्चर्स। यहाँ पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं। और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे ये मूवी है, और इसको भारत में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया। क्या ही बात है यार, 5 करोड़ का खर्चा गया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है गाइस। अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना, वो आपको विजय उनका जो रियल नाम है पूरा विजय तुम हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डी वर्का कोलंडा एज अ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज अ डॉक्टर प्रीति शीटी, अर्जुन लव इंटरेस्टेड राहुल रामा कृष्णा एज अ शिवा, अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज अ जिया शर्मा, एंड एक्टर्स हु कंसूज डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज अ धनंजय रेड्डी धूप मुल्क अर्जुन फादर, कामल कमरजुन एज अ गौतम रेड्डी, कंचाना एज अ अर्जुन ग्रैंड मदर, गोपी तेत बाट एज अ डी वर्ड्स शीटी प्रीथी फादर, कल्याण सुब्रहम यमाम एज अ कामिल अर्जुन फ्रेंड, अमित शर्मा एज अ अमित, अदिति मेकल एज अ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स, इंस्टा अला एज अ कृति अर्जुन फ्रेंड, सुरुवा मुरुड्रा एज अ श्रुति प्रीति फ्रेंड, भूषण कल्याण एज अ डीन ऑफ एसटी मरियम कॉलेज, प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज अ विपुल कैमियो। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनघोर में सेनेट मिरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतजाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है, लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। 3 सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं
और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इसके और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी ज़ात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बह फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है, एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है, वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम पृथ्वी रख देता है और शराब पीता है जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शाबी बन जाता है जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शेबा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशेवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शेवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाय रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे जबकि राहुल राम कृष्णा जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपी नाथ भट्ट कमल कुमार अज्जू और कचना मावन किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी
देशमुख की कहानी बयान करती है, जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आजी तौर पर संदीप वनगा की फिजियोथेरेपी के तालिबे इल्म की जिंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के दीगर मकामात में मनगोर, दोहरा, दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बलतदीद साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोडा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शशतानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन, तहरीर, सिनेमेटोग्राफी, 5.5 और कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियाँ मौसूल हुई, जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा। राइटर भी इस फिल्म के यही हैं, संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा। इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है विजय और इसके साथ दे रहे हैं शालानी पांडे। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर एंड प्रोडक्शन कंपनी है भाद्रकिली पिक्चर्स। यहां पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं। और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे ये मूवी है और इसको भारत में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह। और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया, क्या ही बात है यार। 5 करोड़ का खर्चा किया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है गाइस। अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना वो आपको विजय और इनका जो रियल नाम है पूरा विजय तो हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डी वर्का कोलंडा एज आ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज आ डॉक्टर प्रीति शिटी अर्जुन लव इंटरेस्टेड राहुल रामा कृष्णा एज आ शिवा अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज आ जिया शर्मा एंड एक्टर्स हु कंसूज डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर
falls in love with him. Sanjay Swaroop as a Dhananjay Reddy Dhupmulk Arjun father. Kamal Kamarjun as a Gautam Reddy. Kanchana as a Arjun grandmother. Gopi Teth Bhatt as a divorce Shitty Prithim father. Kalyan Subrahmanyam as a Kamil Arjun friend. Amit Sharma as a Aditi Mekal as a Vidya Arjun friends. Insta Ala as a Kriti Arjun friend. Suruva Murudra as a Shruti Priti friend. Bhushan Kalyan as a Dean of ST Mariam College. Praiva Drashi Huli Kunda as a Vipol cameo. Guys, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनघोर में सेंट मेरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतज़ाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल-तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। तीन सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इसके और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी ज़ात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बह फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है, एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है, वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम प्रीति रख देता है और शराब पीता है जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शराबी बन जाता है जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज्यादा होना है।
अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शिवा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है, जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है, जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शिवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाय रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे, जबकि राहुल राम कृष्णा, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपी नाथ भट्ट, कमल कुमार अज्जू और कचना मावन किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है, जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आर्जी तौर पर संदीप वनगा की फजीर थेरेपी के तालिब इल्म की जिंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के दीगर मकामात में मनगोर, दोहरा दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बल तरतीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोड़ा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शस्तानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन, तहरीर, सिनेमेटोग्राफी, 5.5 और कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी
मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की, जिसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियाँ मौसूल हुई, जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा। राइटर भी इस फिल्म के यही हैं, संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा। इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है विजय, और इसके साथ दे रहे हैं शालानी पांडे। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर, एंड प्रोडक्शन कंपनी है भाद्रकिली पिक्चर्स। यहाँ पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं। और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे ये मूवी है, और इसको भारत में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस है। क्या ही बात है यार, 5 करोड़ का खर्चा किया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना, वो आपको विजय उनका जो रियल नाम है पूरा विजय तुम हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डी वर्का कोलंडा एज आ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज आ डॉक्टर प्रीति शीटी अर्जुन लव इंटरेस्टेड राहुल रामा कृष्णा एज आ शिवा अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज आ जिया शर्मा एंड एक्टर्स हु कंसूल्स डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज अ धनंजय रेड्डी धूप मुल्क अर्जुन फादर। कामल कमरजुन एज अ गौतम रेड्डी। कंचाना एज अ अर्जुन ग्रैंड मदर। गोपी तेत बाट एज अ डी वर्ड्स शीटी प्रीथी फादर। कल्याण सुब्रहम या माम एज अ कामिल अर्जुन फ्रेंड। अमित शर्मा एज अ अमित। अदिति मेकल एज अ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स। इंस्टा अला एज अ कृति अर्जुन फ्रेंड। सुरुवा मुरुड्रा एज अ श्रुति प्रीति फ्रेंड। भूषण कल्याण एज अ डीन ऑफ एसटी मरियम कॉलेज। प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज अ विपुल कैमियो। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनघोर में सेनेट मिरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतजाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद
डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है, लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। तीन सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इसके और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी ज़ात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बह फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है, एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है, वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम प्रीति रख देता है और शराब पीता है जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शराबी बन जाता है जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज़्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शेबा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शिवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतज़ाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है।
अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाय रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे जबकि राहुल राम कृष्णा जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपी नाथ भट्ट कमल कुमार अज्जू और कचना मावन के दार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आजी तौर पर संदीप वनगा की फजीर थेरेपी के तालिब इल्म की जिंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के देगर मकामात में मनगोर दोहरा दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बल तदीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोड़ा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शशतानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन तहरीर सिनेमेटोग्राफी 5.5 और कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियां मौसूल हुई जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा और राइटर भी इस फिल्म के यही हैं संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा। इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है विजय और इसके साथ दे रहे हैं शालिनी पांडे। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर एंड प्रोडक्शन कंपनी है भाद्रकिली पिक्चर्स। यहाँ पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे की मूवी है
और इसको भारत में रिलीज किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया। क्या ही बात है यार, 5 करोड़ का खर्चा किया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना, वो आपको विजय उनका जो रियल नाम है पूरा विजय तुम हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डिवर्का कोलंडा एज अ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज अ डॉक्टर प्रीति शीटी अर्जुन लव इंटरेस्टेड राहुल रामा कृष्णा एज अ शिवा अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज अ जिया शर्मा एंड एक्टर्स हु कंसूल्स डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज अ धनंजय रेड्डी धूप मुल्क अर्जुन फादर कामल कमरजुन एज अ गौतम रेड्डी कंचाना एज अ अर्जुन ग्रैंड मदर गोपी तेथ बाट एज अ डिव वर्ड्स शिटी प्रीथी फादर कल्याण सुब्रहम या माम एज अ कामिल अर्जुन फ्रेंड अमित शर्मा एज अ अमित अदिति मेकल एज अ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स इंस्टा अला एज अ कृति अर्जुन फ्रेंड सुरुवा मुरुड्रा एज अ श्रुति प्रीति फ्रेंड भूषण कल्याण एज अ डीन ऑफ एसटी मरियम कॉलेज प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज अ विपुल कैमियो। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनगोर में सेनेट मिरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतज़ाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है, लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। 3 सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इसके और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है। अपने
अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है। धो दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के जबरदस्ती इसकी जात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है। एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बह फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है। एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है। वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है। एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम पृथ्वी रख देता है और शराब पीता है, जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शराबी बन जाता है, जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शिवा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा, जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है, को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है, जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है, जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशेवराना अखलाकियात के खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शेवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाए रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे, जबकि राहुल राम कृष्णा, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपी नाथ भट्ट, कमल कुमार अज्जू और कचना मावन किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है, जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आर्जी तौर पर संदीप वनगा की फिजियोथेरेपी के तालिबे इल्म की ज़िंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को
मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के दीगर मकाम में मनगोर, दोहरा, दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बलतरतीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोड़ा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शशानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन, तहरीर, सिनेमेटोग्राफी, 5.5 और कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियाँ मौसूल हुई जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा। राइटर भी इस फिल्म के यही हैं, संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा। इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं विजय और इसके साथ दे रहे हैं शालानी पांडे। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर एंड प्रोडक्शन कंपनी है भाद्रकिली पिक्चर्स। यहाँ पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे ये मूवी है और इसको भारत में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह। और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया, क्या ही बात है यार। 5 करोड़ का खर्चा किया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है गाइस। अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना वो आपको विजय और इनका जो रियल नाम है पूरा विजय तो हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डिवर्का कोलंडा एज आ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज आ डॉक्टर प्रीति शीटी अर्जुन लव इंटरेस्ट इंटरेस्टेड राहुल राहुल रामा कृष्णा एज आ शिवा अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज आ जिया शर्मा एंड एक्टर्स हु कंसूज डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज अ धनंजय रेड्डी धूप मुल्क अर्जुन फादर कामल कमरजुन एज अ गौतम रेड्डी कंचाना एज अ अर्जुन ग्रैंड मदर गोपी तेत बाट एज अ डी वर्ड्स शीटी प्रीति फादर कल्याण सुब्रहम या माम एज अ कामिल अर्जुन फ्रेंड अमित शर्मा एज अ अमित अदिति मेकल एज अ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स इंस्टा
अला एज अ कृति अर्जुन फ्रेंड, सुरुवा मुरुड्रा एज अ श्रुति प्रीति फ्रेंड, भूषण कल्याण एज अ डीन ऑफ एसटी मरियम कॉलेज, प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज अ विपोल कैमियो। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनगोर में सेनेट मिरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतज़ाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है, लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। तीन सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इसके और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी ज़ात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बाहर फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है, एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है, वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम प्रीति रख देता है और शराब पीता है जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शराबी बन जाता है जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज़्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शेबा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके
खून के नमूनों का मुआयना करता है जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शिवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाय रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे जबकि राहुल राम कृष्णा जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपी नाथ भट्ट कमल कुमार अज्जू और कचना मावन के दार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आर्जी तौर पर संदीप वनगा की फिजिक थेरेपी के तालिबे इल्म की जिंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के दीगर मकामात में मनगोर दोहरा दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बल तरतीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोडा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शस्तानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन तहरीर सिनेमेटोग्राफी 5.5 पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशा को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे पैसवे फिल्म फिर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियाँ मौसूल हुई जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर
और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा, और राइटर भी इस फिल्म के यही हैं संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा। इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है विजय, और इसके साथ दे रहे हैं शालानी पांडे। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर, एंड प्रोडक्शन कंपनी है भाद्रकिली पिक्चर्स। यहां पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं, और इस फिल्म को जो रिलीज किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे ये मूवी है, और इसको भारत में रिलीज किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया। क्या ही बात है यार, 5 करोड़ का खर्चा किया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना, वो आपको विजय उनका जो रियल नाम है पूरा विजय तुम हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डी वर्का कोलंडा एज आ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज आ डॉक्टर प्रीति शीटी, अर्जुन लव इंटरेस्टेड राहुल रामा कृष्णा एज आ शिवा, अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज आ जिया शर्मा, एंड एक्टर्स हु कंसूज डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज आ धनंजय रेड्डी धूपमुल्क अर्जुन फादर, कामल कमरजुन एज आ गौतम रेड्डी, कंचाना एज आ अर्जुन ग्रैंड मदर, गोपी तेत बाट एज आ डी वर्ड्स शिटी पृथ्वी फादर, कल्याण सुब्रहम या माम एज आ कामिल अर्जुन फ्रेंड, अमित शर्मा एज आ अमित, अदिति मेकल एज आ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स, इंस्टा अला एज आ कृति अर्जुन फ्रेंड, सुरुवा मुरुड्रा एज आ श्रुति प्रीति फ्रेंड, भूषण कल्याण एज आ डीन ऑफ एसटी मरियम कॉलेज, प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज आ विपुल कैमियो। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनघोर में सेनेट मिरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतज़ाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है, लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है
और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जम MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। 3 सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इसके और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, 2 दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी जात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बह फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है, एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है, 1 नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम पृथ्वी रख देता है और शराब पीता है जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शाबी बन जाता है जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शेबा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शेवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है,
और इसे इनके भाई परनाय रैंडी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे जबकि राहुल राम कृष्णा जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपी नाथ भट्ट कमल कुमार अज्जू और कचना मावन किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आजी तौर पर संदीप वनगा की फजीर थेरेपी के तालिब इल्म की जिंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के देगर मकामात में मनगोर दोहरा दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बलतदीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोड़ा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शशतानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन तहरीर सिनेमेटोग्राफी 5.5 और कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियां मौसूल हुई जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा। राइटर भी इस फिल्म के यही हैं संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा। इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है विजय और इसके साथ दे रहे हैं शालिनी पांडे। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर एंड प्रोडक्शन कंपनी है भद्रकिली पिक्चर्स। यहाँ पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे ये मूवी है और इसको भारत में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह। और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया, क्या ही बात है यार। 5 करोड़ का खर्चा किया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है गाइस। अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना वो आपको विजय और इनका जो रियल नाम है पूरा विजय तो हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डी वर्क का
कोनंडा एज अ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज अ डॉक्टर प्रीति शिटी अर्जुन लव इंटरेस्ट इंटरेस्टेड राहुल एंड राहुल रामा कृष्णा एज अ शिवा अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज अ जिया शर्मा एंड एक्टर्स हु कंसूल्स डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज अ धनंजय रेड्डी धूप मुल्क अर्जुन फादर कामल कमरजुन एज अ गौतम रेड्डी कंचाना एज अ अर्जुन ग्रैंड मदर गोपी तेत बाट एज अ डिव वर्ड्स शिटी प्रीथी फादर कल्याण सुब्रहम या माम एज अ कामिल अर्जुन फ्रेंड अमित शर्मा एज अ अमित अदिति मेकल एज अ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स इंस्टा अला एज अ कृति अर्जुन फ्रेंड सुरुवा मुरुड्रा एज अ श्रुति प्रीति फ्रेंड भूषण कल्याण एज अ डीन ऑफ एस टी मरियम कॉलेज प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज अ विपोल कैमियो। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनघोर में सेनेट मिरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतजाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शिटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल-तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। तीन सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इसके और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक़ रखते हैं अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी ज़ात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बह फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है। एक
निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है। वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम पृथ्वी रख देता है और शराब पीता है, जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शराबी बन जाता है, जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शेवा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा, जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है, को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है, जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है, जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबरा ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शेवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाय रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे, जबकि राहुल राम कृष्णा, जिया शर्मा, संजय स्वरूप, गोपी नाथ भट्ट, कमल कुमार अज्जू और कचना मावन के किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है, जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आर्जी तौर पर संदीप वनगा की फिजिक थेरेपी के तालिबे इल्म की जिंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के दीगर मकामात में मनगोर, दोहरा, दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बलतदीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज
थोडा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शशतानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन, तहरीर, सिनेमोग्राफी, 5.5 और कास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे बेस्टवें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियाँ मौसूल हुई, जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा। राइटर भी इस फिल्म के यही हैं, संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा। इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है विजय और इसके साथ दे रहे हैं शालानी पांडे। सिनेमोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाक मिशकावर एंड प्रोडक्शन कंपनी है भद्रकिली पिक्चर्स। यहां पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं। और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज़ किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे ये मूवी है और इसको भारत में रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह। और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया, क्या ही बात है यार। 5 करोड़ का खर्चा किया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना वो आपको विजय और इनका जो रियल नाम है पूरा विजय तो हम मशहूर है विजय जो बुलाते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डिवर्का कुनंडा एज आ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज आ डॉक्टर प्रीति शीटी अर्जुन लव इंटरेस्टेड राहुल रामा कृष्णा एज आ शिवा अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज आ जिया शर्मा एंड एक्टर्स हु कंसूल्स डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज अ धनंजय रेड्डी धूपमुल्क अर्जुन फादर। कामल कमरजुन एज अ गौतम रेड्डी कंचाना एज अ अर्जुन ग्रैंड मदर। गोपी तेत बाट एज अ डी वर्ड्स शीटी प्रीति फादर। कल्याण सुब्रहम या माम एज अ कामिल अर्जुन फ्रेंड। अमित शर्मा एज अ अमित अदिति मेकल एज अ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स। इंस्टा अला एज अ कृति अर्जुन फ्रेंड। सुरुवा मुरुड्रा एज अ श्रुति प्रीति फ्रेंड। भूषण कल्याण एज अ डीन ऑफ एसटी मरियम कॉलेज। प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज अ विपुल कैमियो। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनघोर में
सेनेट मेरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतजाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है, लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। तीन सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इस के और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी ज़ात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बह फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है, एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है, वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम प्रीति रख देता है और शराब पीता है जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शाबी बन जाता है जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शेबा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से जिंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं,
अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शिवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। संदीप रेड्डी वनगा ने की है और इसे इनके भाई परनाय रेड्डी वनगा की कंपनी भद्र काली पैकेज ने प्रोड्यूस किया है। इसमें विजय द्योरा कोंडा और शालिनी पांडे जबकि राहुल राम कृष्णा जिया शर्मा संजय स्वरूप गोपी नाथ भट्ट कमल कुमार अज्जू और कचना मावन किरदार में नजर आएंगे। ये फिल्म अर्जुन रेड्डी देशमुख की कहानी बयान करती है जो एक आला काम करने वाले अल्कोहल सर्जन को गुस्से से निपटने के मसले का सामना है। अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड पर प्रीति शिटी की शादी के बाद खुद को तबाह करने वाले रास्ते पर है। फिल्म इसके जवाल और इसके बाद दोबारा जिंदा होने पर मरकूज है। अर्जुन रेड्डी आर्जी तौर पर संदीप वनगा की फजीर थेरेपी के तालिब इल्म की जिंदगी से मुतासर थे। इन्होंने 2 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया और फिल्म को मंजर आम पर आने में 4 से 5 साल लगे। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 20 जून 2016 को हैदराबाद में हुई और इसे मुकम्मल होने में 86 काम के दिन लगे। फिल्म बंदी के दीगर मकामात में मनगोर दोहरा दन और नई दिल्ली शामिल है। फिल्म बंदी इटली में भी हुई। राहदन और हर्ष और वर्धन रमेश ने बल तदीब साउंड ट्रैक और स्कोर मरतब किया। राज थोड़ा फोटोग्राफी के डायरेक्टर थे और शस्तानिंग माली ने फिल्म को एडिट किया। करोड़ के बजट पर बनाया गया ये फिल्म 25 अगस्त 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई। इससे अपने डायरेक्शन तहरीर सिनेमेटोग्राफी 5.5 पॉडकास्ट की परफॉर्मेंस के लिए बड़े पैमाने पर तनकीदी पजराई मिली। खास तौर पर दीवार को नडा की लेकिन नौजवानों में नशा आवर अशिया को फरोग देने और इसकी जनसी मनाजिर के लिए इसे तनकीद का निशाना बनाया गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही जिसने आलमी सतह पर 51 करोड़ की कमाई की। इसमें तकसीम कारों का हिस्सा 26 करोड़ था। इसे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड के साथ 6 नामजदगियां मौसूल हुई जिनमें बेहतरीन तेलुगु फिल्म और बेहतरीन तेलुगु हिदायतकार वनगा के लिए शामिल है। फिल्म की वहद जीत दीवारा कोंडा के लिए बेहतरीन तेलुगु अदाकार थी। फिल्म को हिंदी में कबीर सिंह के तौर पर और दोबारा तमिल में आदित्य वर्मा और वर्मा के तौर पर दोबारा बनाया गया। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्ट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है संदीप रेड्डी वनगा। राइटर भी इस फिल्म के यही हैं संदीप रेड्डी वनगा। इस फिल्म को जिसने प्रोड्यूस किया है उनका नाम है प्रीने रेड्डी वनगा।
इनमें जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं विजय, और इसके साथ दे रहे हैं शालानी पांडे। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लीजिए, सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है राज थोटा। एडिट बाई जिसने इस फिल्म को एडिट किया है शशनाग मिशकावर, एंड प्रोडक्शन कंपनी है भाद्रकेली पिक्चर्स। यहाँ पर आप ये मूवी जाकर देख भी सकते हैं, और इस फिल्म को जो रिलीज़ किया गया वो 25 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया। इस फिल्म का जो दुरानिया है वो 3 घंटे की मूवी है, और इसको भारत में रिलीज किया गया। इस फिल्म के जो लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 5.5 करोड़ की लागत आई माशाल्लाह, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 51 करोड़ का बिजनेस किया। क्या ही बात है यार, 5 करोड़ का खर्चा गया और 51 करोड़ कमा लिया, क्या ही बात है गाइस। अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्टिंग कास्ट की बात करें तो विजय जो है ना, वो आपको विजय उनका जो रियल नाम है पूरा विजय तुम हम मशहूर है विजय जी बुलाते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है विजय डी वर्का कोलंडा एज अ डॉक्टर अर्जुन रेड्डी के रोल में आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट जी शालानी पांडे एज अ डॉक्टर प्रीति शीटी, अर्जुन लव इंटरेस्टेड राहुल रामा कृष्णा एज अ शिवा, अर्जुन बेस्ट फ्रेंड जिया शर्मा एज अ जिया शर्मा, एंड एक्टर्स हु कंसूल्स डॉक्टर अर्जुन एंड लेटर फॉल्स इन लव विद हिम। संजय स्वरूप एज अ धनंजय रेड्डी धूप मुल्क अर्जुन फादर, कामल कमरजुन एज अ गौतम रेड्डी, कंचाना एज अ अर्जुन ग्रैंड मदर, गोपी तेत बाट एज अ डिव वर्ड्स शीटी पृथ्वी फादर, कल्याण सुब्रहम या माम एज अ कामिल अर्जुन फ्रेंड, अमित शर्मा एज अ अमित, अदिति मेकल एज अ विद्या अर्जुन फ्रेंड्स, इंस्टा अला एज अ कृति अर्जुन फ्रेंड, सुरुवा मुरुड्रा एज अ श्रुति प्रीति फ्रेंड, भूषण कल्याण एज अ डीन ऑफ एसटी मरियम कॉलेज, प्राइवा दृष्टि फूली कुंदा एज अ विपुल कैमियो। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्जुन रेड्डी देशमुख भारत के मनघोर में सेनेट मिरी मेडिकल कॉलेज में हाउस सर्जन है। एक होनहार तालिब इल्म होने के बावजूद इसके पास शदीद गुस्से के इंतजाम के मसाइल हैं जो कॉलेज के डाइन का गुस्सा कमाते हैं। अर्जुन की जारहाना फितरत भी इसे कॉलेज के बदमाश के तौर पर अपने जूनियर्स में शोहरत देती है। एक इंटर कॉलेज फुटबॉल मैच के दौरान अपने दोस्त कमाल के साथ मुखालिफ टीम के अरकान के साथ झगड़ने के बाद डीन अर्जुन से कहता है कि या तो माफ़ी मांगे या कॉलेज छोड़ दे। अर्जुन शुरू में कॉलेज छोड़ने का इंतखाब करता है, लेकिन पहले साल ही तालबा प्रीति शीटी से मिलने के बाद वापस अर्जुन और इसके दोस्त शेवा तीसरे साल की क्लासरूम में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि अर्जुन प्रीति से मोहब्बत करता है और इस बात पर जोर देता है कि वो इसके लिए खसूसी है। इब्तदाई तौर पर डरते हुए प्रीति अर्जुन के दबंग रवैये के मुताबिक होने लगती है। वो आखिरकार इसके जज्बात का बदला ले देती है और वो एक गहरा रिश्ता अस्तवर करते हैं। अर्जुन MBBS की डिग्री के साथ फारिग अल तहसील हुआ और ऑर्थोपेडिक सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मसूरी रवाना हुआ। 3 सालों के दौरान अर्जुन और प्रीति का रिश्ता मजीद मजबूत हो गया। महीनों बाद अर्जुन प्रीति के घर जाता है जहां उसके वालिदा उन्हें बोसा लेते हुए देखते हैं
और अर्जुन को बाहर फेंक देते हैं। प्रीति के वालिद इस के और अर्जुन के रिश्ते की मुखालफत करते हैं क्योंकि वो अर्जुन के बुरे रवैये की वजह से और ये भी कि वो मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्जुन ने प्रीति से 6 घंटे के अंदर फैसला करने का मुतालबा किया और ना वो इनका रिश्ता ख़त्म कर देगा। इस वाक़े के बाद प्रीति के वालिदैन ने इसका फोन जब्त कर लिया और उसे अर्जुन से रब्ता करने से रोक दिया। जब वो अर्जुन के घर जाने का इंतज़ाम करती है वो नशे में होता है, अपने अंदर मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है, दो दिन तक बेहोश हो जाता है। फिर प्रीति के ज़बरदस्ती इसकी ज़ात के किसी फर्द से शादी कर दी जाती है। अर्जुन को शिव से शादी के बारे में मालूम होता है और वो इसके घर चला जाता है। इस पर हमला किया जाता है, एक मंत्र बनाने पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अर्जुन के वालिद ने इससे अपनी साख खराब करने के लिए घर से बाहर फेंक दिया। शिवा की मदद से अर्जुन एक फ्लैट किराए पर लेता है, एक निजी अस्पताल में बतौर सर्जन शामिल होता है। अपने जज्बात से निमटने के लिए वो मंशियात लेना शुरू कर देता है, वन नाइट स्टैंड करने की कोशिश करता है, एक पालतू कुत्ता खरीदता है और इसका नाम पृथ्वी रख देता है और शराब पीता है जिनमें से सब नाकाम है। महीनों के अंदर वो एक कामयाब सर्जन और आला काम करने वाला शाबी बन जाता है जिससे अस्पताल के अमले के अरकान खौफजदा होते हैं, जिसकी एक वजह उसकी सर्जरी का ज्यादा होना है। अर्जुन को खुद को तबाह करने वाला रवैया और आगे बढ़ने से इनकार शेवा और कमल को परेशान करता है। वो अपने मरीजों में से एक जिया शर्मा जो एक मारूफ फिल्मी सितारा है को इसके साथ कोई तार ना होने के लिए कॉल करता है, जिसे वो उस वक्त ख़त्म कर देता है जब उसे उससे मोहब्बत हो जाती है। एक दिन की छुट्टी पर अर्जुन ना खुशी से ज़िंदगी बचाने वाली सर्जरी करने पर राजी हो जाता है और पानी की कमी से गिर जाता है। अस्पताल का अमला उसके खून के नमूनों का मुआयना करता है जिसमें अल्कोहल और कोइन के आसार पाए जाते हैं। अस्पताल के सरबराह ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जो अदालत में अंदरवन खाना समात के दौरान अपनी पेशेवराना अखलाकियात की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर सच्चाई को कबूल करता है। बावजूद इसके कि शेवा ने इसे जमानत देने के इंतजाम किए हैं, अर्जुन का मेडिकल लाइसेंस 5 साल के लिए मनसूख कर दिया जाता है और इसे फ्लैट से बेदखल कर दिया जाता है। अगली सुबह शेवा अपनी दादी की मौत की इतला देने अर्जुन तक पहुंचने का इंतजाम करता है। वो अपने बाप से मिलता है और वो सुलह कर लेते हैं। अर्जुन जल्द ही अपनी खुद को तबाह करने वाली आदतों को तर्क कर देता है। छुट्टियों पर निकलते वक्त अर्जुन ने एक पार्क में हमला प्रीति को बैठा देखा। इस बात पर यकीन है कि वो अपनी शादी से नाखुश है। अर्जुन अपनी छुट्टियों से वापस आने के बाद इससे मिलता है। प्रीति ने इंकशाफ किया कि इसने शादी के चंद दिन बाद अपने शोहर को छोड़ दिया और एक क्लिनिक में काम करना जारी रखा। वो अर्जुन को बताती है कि वो बच्चे का बाप है और वो दोबारा मिल जाते हैं। जोड़ा शादी कर लेता है और प्रीति के वालिद एक दूसरे के लिए इनकी मोहब्बत को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों ये इस फिल्म की मुकम्मल स्टोरी जो कि हमने आपको बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी।